भाजपा आरएसएस के नुमाइंदे आए दिन संविधान बदलने की बात करते रहते हैं। इसी बीच एक जीता जागता सबूत भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने दिया है। अनंत कुमार हेगड़े का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल है। सोशल मीडिया पर जैसे ही अनंत कुमार हेगड़े का बयान वायरल हुआ, वैसे ही संविधान विरोधी और अंबेडकरवादियों ने एक जंग छेड़ दी। इसी बीच भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने संविधान बदलने की बात करने वाले अनंत कुमार हेगड़े को एक सबसे बड़ा और करारा जवाब दे दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या चेतावनी दी है वो सबसे पहले एक वीडियो के माध्यम से सुनिए। चंद्रशेखर आजाद ने साफ बोल दिया है कि जिन लोगों को भ्रम है कि संविधान बदल देंगे तो वो लोग कान खोलकर सुन लें कि हम अपने आखिरी लहू तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक संविधान के बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने एक वीडियो लगभग 30 मिनट का भाषण था, उसमें से 2 मिनट चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसी खतरनाक चेतावनी दी थी जो संविधान बदलने की बात करने वाले हैं उन लोगों को। वो वीडियो आपको देखना चाहिए और इस देश दुनिया को दिखाना चाहिए और खासकर उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो लोग कहते हैं कि हम संविधान बदलने का षड्यंत्र कर रहे हैं या संविधान बदलने के लिए हम ये सब करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अनंत कुमार हेगड़े ने जवाब दिया था कि उन्होंने बयान दिया था कि 400 सीटें संविधान बदलने के लिए उसी मंशा को और भी अधिक पुख्ता करता है। ये अनंत कुमार हेगड़े का बयान। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने रामपुर के थाना मिलक में जो घटना हुई थी उस घटना में बोला था, एक बयान दिया था चंद्रशेखर आजाद ने कि जब हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक वोट की खातिर, कुछ जमीन की खातिर अपनी छाती पर गोली खा सकते हैं, तो जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो संविधान बदलने का षड्यंत्र कर रहे हैं, तो संविधान बचाने के लिए हम कितनी कुर्बानियां दे सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आजाद ने आज अनंत कुमार हेगड़े को एक ट्वीट कर भी जवाब दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी चेतावनी दी हुई है। वह चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट में क्या बोला है, उस ट्वीट के बारे में जानने से पहले आप चंद्रशेखर आजाद की वो वीडियो देखिए जो संविधान बदलने वाले नुमाइंदों को और भाजपा आरएसएस के कुछ नुमाइंदों को जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनको चेतावनी रामपुर के थाना मिलक के गांव से अंबेडकर बोर्ड के पास खड़े होकर दी थी। चंद्रशेखर आजाद ने जो चेतावनी दी वो वीडियो आप सुनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सबके लिए, मेरे लिए, और ये डर का विषय है आरएसएस और भाजपा के लोगों के लिए, जब हम एक बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क के लिए, एक कुछ गज जमीन के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे सकते हैं, तो जिस दिन संविधान पे आ चाहिए तो हम इस देश में किस हद तक गुजर सकते हैं, ये उनके लिए चैलेंज इस बात को याद रखें। जिन लोगों को ये लगता है, हमने 2 अप्रैल 2018 में भी साबित किया था जब SC ST एक्ट पे आ चाहिए थी, और हमने कल भी इस मिट्टी को खून से सींच के साबित किया कि जब बाबा साहब के सम्मान की बात आएगी, जब बाबा साहब के पार्क की बात आएगी, तो हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। इसके लिए वो माए भी धन्यवाद का पात्र हैं जिन्होंने माओ ने कल लाठियां खाई। बाबा साहब के वंशज तो बाबा साहब के सम्मान में जब मरने मिटने के लिए तैयार हैं, ये मैंने कहा ना, ये चैलेंज है RSS के लोगों को, भाजपा के लोगों को, कि हमें कमजोर मत आंकना, ये चैलेंज है। जब हम बाबा साहब के बोर्ड के लिए, एक पार्क के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं, तो इस संविधान को बदलने की बात करने वाले लोगों सुन लो कि अगर संविधान पे आ जाए तो एक सोमोस नहीं, लाखों सोमोस बलिदान देंगे इस देश में और संविधान की रक्षा करेंगे। मेरी बात को याद रखना, हम भूलने वाले लोग नहीं है। हमें बाबा साहब अंबेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानी याद है जिनकी वजह से आज हमारे तन पे कपड़े हैं, और हम डरने वाले लोग भी नहीं है। हम मर मिट जाएंगे लेकिन गुलामी की बेड़िया पहनने का काम नहीं करेंगे। हम आजादी के परवानों को भी मानते हैं, हम कोई भी कुर्बानी देंगे लेकिन चुप्पी नहीं रखेंगे। फिलहाल आपने ये सुना, चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े को इस वीडियो में पर्सनली तो नाम नहीं लिया, पर आज उन्होंने ट्वीट करके पर्सनली नाम लिया। चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही आगाह कर दिया था कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, जो संविधान, वो इस घटना से सीख ले लें, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की एक वोट की खातिर, बाबा साहब अम्बेडकर की सम्मान में कुछ जमीन की खातिर छाती पर गोली खा सकते हैं, तो संविधान बदलने
कि जो बात कर रहे हैं और संविधान को बचाने वाली और उनको जवाब देने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आजाद ने अनंत कुमार हेगड़े के जो बयान को देखते हुए लिखा है, संविधान बदलना भाजपा और आरएसएस की पुरानी मंशा रही है। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े का बयान 400 सीटें संविधान बदलने के लिए उसी मंशा को और भी अधिक पुख्ता करता है। जिन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जीते ही शव यात्रा निकाली हो, वो लोग बनाए बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। भाजपा समानता और लोकतंत्र विरोधी है। मोदी जी याद रखें, हिटलर भी लोकतंत्र की दुहाई देकर सत्ता में आया था और उसी ने अपने 10 साल के शासन में लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। आप भी संविधान के द्वारा सत्ता में आए हैं। संविधान को खत्म करने की बात आपके तानाशाही भरे 10 साल के शासन को खत्म करेगी। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है तब तक हम संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। ये भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। आप समझ सकते हो रामपुर जैसी घटना से जो लोग संविधान बदलने वाली बात करते हैं, जब हमारे समाज के लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग अंबेडकर के अनुयायी डॉक्टर अंबेडकर की एक बोर की खातिर जब छाती पर गोली खा सकते हैं, तो संविधान बदलने की बात करने वाले और संविधान बदलने का षड्यंत्र करने वाले और संविधान की रक्षा करने के लिए अंबेडकर अनुयायी क्या कुछ नहीं कर सकते। संविधान बदलने की बात करने वाले लोगों को जवाब किस तरीके से देना है ये भी अंबेडकरवादी जानते हैं, और संविधान की रक्षा कैसे करनी है ये भी अंबेडकरवादी जानते हैं। अगर अब भी आप नहीं समझ पा रहे हो वो नहीं तो मैं समझा देता हूँ। रामपुर के थाना मिलक में एक घटना हुई थी। रामपुर के थाना मिलक में छोटी सी जमीन के लिए डॉक्टर अंबेडकर के बोर्ड लगाया और डॉक्टर अंबेडकर के बोर्ड को जब पुलिस प्रशासन हटाने आया तो बहुजन समाज के लोग ने, एक दलित बच्चे ने, 12th क्लास का वो छात्र था, उस छात्र ने अपनी छाती पर गोली खाई थी। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के बोर्ड की खातिर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान की खातिर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्वाभिमान और सम्मान और दलित समाज की जो मजबूती है। दलित समाज अपने आप को लोग ना समझे कि दलित समाज आज मर चुका है या डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, ये सब ना भ्रम हो जाए लोगों को, जातिवादियों को। उसके चलते उस लड़के ने, उस भाई ने छाती पर गोली खाई थी। इसी बीच ये बयान काफ़ी ज़्यादा अम्बेडकरवादियों में रोष पैदा किए हुआ है। फिलहाल सांसद, बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने जो बयान दिया उस पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बी मिशन टीवी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर और QR कोड पर आप बी मिशन टीवी को मदद करें। जय भीम जय। साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।